हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस और जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए देन आई थिंक कि मोर देन वन ईयर से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो मोर देन वन ईयर से आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ जी एस पोलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी एनवायरमेंट एज वेल एज यूर ऑप्शनल है ना तो सभी स्टूडेंट्स बाकी के सभी जी के सब्जेक्ट्स के लिए आ, साल भर से मिनिमम साल भर कह रही हूँ मैं आपको है ना तो मिनिमम साल भर से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए एंड नाउ यू आर प्रिपेयर की हाँ हमें मोर देन हंड्रेड तो सिक्योर करना ही है जीएस के अंदर ओके नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज वट अब जब हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है जब हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है इन दैट केस हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है बिकॉज अगर हम एक सिली मिस्टेक मैं कहूंगी एक माइनर सी मिस्टेक हमारा पूरा साल बर्बाद कर सकती तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर मेनली मैं आप लोगों को अवेयर करवाना चाह रही हूँ कि सी सेट की क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के अंदर अब देखिए जैसे कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जीएस के लिए पूरा फोकस दे रहे हैं पूरा का पूरा आंसर राइटिंग बड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो गया है सबका ठीक है ऑप्शनल के अंदर भी पूरा फोकस किया पूरा सिलेबस हमारा कवर है ओके okay? मींस कि हम मेंस तक के लिए प्रिपेयर हैं बट जब बात कर रहे हैं हम प्रीलिम्स के एग्जाम की तो जब तक हमारा प्रीलिम्स का स्टेप क्लियर नहीं होगा तब तक हम मेंस तक कैसे जाएंगे और अभी जैसे कि मे के अंदर एग्जाम है दैट मींस कि आ, वी हैव आ, लेस देन सिक्स मंथ्स अब हमारे पास में सिक्स मंथ्स भी नहीं है एग्जाम के अंदर तो यहाँ पे देखिए आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है प्रीवियस ईयर एनालिसिस है अगर आप लोगों ने पेपर देखा है वैसे तो जब हमें पता है कि हाँ ट्वेंटी थ्री के अंदर हमने अटैम्प्ट देना है स्पेशली जो भी एस्पिरेंट्स ट्वेंटी थ्री के अंदर एग्जाम दे रहे हैं ठीक है जिन्होंने अभी ट्वेंटी थ्री में अटैम्प्ट देना है स्पेशली आज की वीडियो उनके लिए है कि जब हम ट्वेंटी थ्री के लिए अपेयर हो रहे हैं देन इट इज मस्ट कि हम थोड़ा सा एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर का जब हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं इन दैट केस आप देखोगे कि जो सी सेट का पेपर है दो पेपर होते हैं हमारे दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में वन इज जीएस पेपर वन जिसके अंदर जीएस के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए यू आर वेल प्रिपेयर है ना एंड द सेकंड इज जीएस पेपर टू दैट इज सी ना तो अब इनका अगर आपने एनालिसिस किया है तो इन दैट केस आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन uh, है क्वेश्चन का लेवल ईयर बाई ईयर इंक्रीज होता जा रहा है हार्ड पेपर आता जा रहा है ठीक है ना आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इजिली हम स्कोर कर लेंगे और दूसरा जो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम मिल रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं मीन्स वट की हाँ अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है कंसेप्ट क्लियर नहीं है इन दैट केस हम नहीं कर सकते तो कंसेप्ट का क्लियरेशन होना बहुत जरूरी है और दूसरा ये है कि काफी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि नहीं हमने टेंथ क्लास तक तो मैथ्स पढ़ा है हम कर लेंगे डेली हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं है ना डेली हम दो 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 न्यूज रीड कर रहे हैं दैट मीन्स की ऑब्वियसली जब यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग न्यूज से गो थ्रू होते होंगे डेली दो न्यूज सबने लगा रखे होंगे ठीक है ना तो अब बात आती है कि हाँ इंग्लिश भी हमारी अच्छी है ठीक है और लॉजिकली तो हम स्ट्रोंग हैं लॉजिकल तो काफी इजी पड़ता है तो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में यही बात होती है बट तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो एक तरह से जैसे ही अब हमें पता है कि जो सी सेट है सी सेट क्वालिफाइंग है थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स आप लोगों ने लेने और वहीं हमारे माइंड में आता है कि यस हम कर लेंगे बट मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के थ्रू एक तरह का ये आपके लिए ट्रैप है कि हम यही सोच के चलते हैं यस दिस इज इजी और वहीं पे हम फंस जाते हैं वहीं पे हम फंस जाते हैं कैसे देखिए अगर मैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी का ट्वेंटी ट्वेंटी की कुछ मार्क्सिट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जिसके अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर और जीएस पेपर टू दोनों का स्कोर आप लोगों को मिलेगा हाँ जी यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कोई स्टूडेंट है यहाँ पे इनका रोल नंबर और नेम हमने हाइड किए हैं यस जीएस पेपर वन के अंदर 129 मार्क्स यस yes, 129 मार्क्स दैट मींस वेरी गुड स्कोर इन जीएस पेपर वन और आपको पता है जो कट ऑफ है कट ऑफ तो 90 के नियर बाई गई थी 20 के अंदर है ना दैट मींस की कट ऑफ से काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए अब उस टाइम पे आप ये देखिए अगर हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है कि 129 हम स्कोर कर पा रहे जीएस पेपर वन के अंदर ठीक है और वहीं पे हमारा एक साल स्पॉयल हो रहा है यस yes, पूरा वन ईयर स्पॉयल हो गया रीजन कि हमारे पेपर टू के अंदर कितने आए फिफ्टी आप अब सोच के देखिए कि इस स्टूडेंट की क्या हालत हुई होगी क्या हालत हुई होगी कि हाँ मैंने इतनी प्रिपरेशन करी पूरी साल मैंने अपना लगाया है और देखो इतना अच्छा मैंने स्कोर किया और फाइनली क्या है रिमार्क मिल रहा है नॉट क्वालिफाइड फॉर सी एस मेन्स एग्जामिनेशन नेक्स्ट देखते हैं एक और दिखाती हूँ मैं आपको हाँ जी यहां पे देखो

दोनों बॉर्डर लाइन पे अब यहां पे अगर इसके आप ये मान के चलो अगर एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाता सिंगल वन क्वेश्चन इन दैट केस क्या होता यस ही कैन गो फॉर द मेंस है ना मेंस के लिए जा सकता था अब यहां पे देखिए अगेन बट क्या रिमार्क मिला नॉट क्वालिफाइड फॉर यस ये रिमार्क मिल रहा है आपको डरा नहीं रही हूं मैं आप लोगों को सच्चाई से अवगत करवा रही हूँ द रियलिटी यस अब ये देख लीजिए 135 yeah. 135 135 मार्क्स यस इज स्कोर इन पेपर ओके और अब यहाँ पे देखो यस अगेन yes. वही बात है अगर दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन और ठीक हो जाते तो आप लोगों का मेंस के लिए चले जाते हैं ना पूरा साल खराब हो गया थोड़ी सी मिस्टेक अब ये जिनकी बॉर्डर लाइन पे जा रहे हैं ना इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस है जिनका भी ये बॉर्डर लाइन पे गया है ओवर कॉन्फिडेंस आया है यहाँ पे कि हाँ हमारा सी सेट तो हो जाएगा जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है हम कर लेंगे सिर्फ इसकी वजह से अगेन क्या है नॉट क्वालिफाइड फॉर जीएस मेंस 2020 नेक्स्ट देखिएगा यस yes, यहां पे देख लो आप क्लियर 115 क्लियर और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है 65.83 अगेन अगर एक क्वेश्चन ठीक हो जाता हमें पता है 67 मार्क्स लेने हमने 66.66 .66 है तो यहाँ पे उस केस के अंदर आप ये मान के जब 67 का है ना तो 67 मार्क्स लेने अगर एक क्वेश्चन और करेक्ट हो जाता एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाता देन क्लियर था बट हमें बाउंड्री लाइन पे नहीं रहना है अगर हम बाउंड्री लाइन की प्रिपरेशन के साथ में जाते हैं तो वहां से बाउंड्री से इधर भी तो गिर सकते हैं इधर भी जा सकते हैं हम इधर भी जा सकते हैं दिस इज द बाउंड्री लाइन यहाँ पे नहीं रहना जब यहाँ पे है तो हम इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सको तो प्रिपेयर वेरी वेल फॉर सी सेट एग्जाम ऑल्सो सी सेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो मैं ये नहीं कहती कि हाँ बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे रहना थोड़ थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लो कोई नहीं हो जाएगा नहीं जिसने भी ये सोच के चला है ना कि हाँ सी सेट तो हमारा हो जाएगा सी सेट तो हमारा हो जाएगा वो फाइनली रहा सी सेट की वजह से है अब यहाँ पे देख लो इस स्टूडेंट्स ने तो इस स्टूडेंट ने, ने बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी है अब इन्होंने कम से कम ये है कि हाँ थोड़ा सा प्रिपेयर किया एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन का ही आ रहा है थोड़ी सी और प्रिपरेशन करेंगे थोड़ी सी और प्रिपरेशन करेंगे दैट मीन्स की निकल जाएगा ठीक है बट यहाँ पे इनका क्या करे यहाँ पे क्या देखो जीएस के अंदर के इतना बढ़िया स्कोर है वन जीरो फोर वन जीरो फोर और यहाँ पे कितना दैट मीन्स कि बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करके गए सी सेट के लिए है ना अब सी सेट के लिए भी प्रिपेयर करना है सभी ने सभी ने प्रिपेयर करना है और यही मेन रीजन आ जाता है कि हम फेल हैं

सिर्फ इतनी सी मिस्टेक के इतनी सी सोच करके हम साल खराब कर देंगे एनालिटिकल बनिए दूसरा तो पॉइंट देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट कोर्स भी कर रखा है पूरा कंप्लीट सिलेबस भी कवर कर रखा है काफी स्टूडेंट्स होंगे आप लोगों में से ऐसे जिन्होंने पूरा कंप्लीट सिलेबस कर रखा है बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनको लगता है कि हाँ अब सिलेबस हमारा कवर हो गया अब हम तैयार हैं वो वो स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पे रहे होंगे मेरे ख्याल में सो so, ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और फिर आप प्रैक्टिस ना करें प्रैक्टिस मस्ट है जब हम प्रैक्टिस करते हैं इन दैट केस हमारा माइंड उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है मैथमेटिकली हम कर पाते हैं लॉजिकल क्वेश्चन को हम कर पाते हैं बट अगर हमारे प्रैक्टिस uh, नहीं है तो वहां पे एग्जाम में हमें लगेगा यस ये क्वेश्चन तो इजी है हम कर लेंगे क्वेश्चन को देख के भी आपको लगेगा कि यस ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगी ये तो मुझे आता है बट जब सोल्व करने लगते हो तो सोल्यूशन नहीं हो पाता वहां पर आंसर नहीं निकलता रीजन इज वट कि प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस इज मस्ट जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है प्लीज प्रैक्टिस करिएगा इवन जिन्होंने मुझसे भी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है मैं यही कहती हूँ प्रैक्टिस जरूरी है प्रैक्टिस जरूरी है सिलेबस कंप्लीशन के बाद भी प्रैक्टिस जरूर करनी है ओके okay? उसके बाद में रॉन्ग पेपर अटेम्प्टिंग मेथड ये अभी एग्जाम में टाइम है उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है कई बार क्या होता है हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी है ठीक है और हमने सिलेबस भी अच्छे से प्रिपेयर किया है बट एग्जाम के अंदर हम अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं कि नहीं ये तो मुझे आता है और उसके टाइम लगा देते हैं एंड वी डोंट नो कि हाँ आगे काफी इजी इजी क्वेश्चन भी मिल रहे हैं हम वो भी तो कर सकते हैं ठीक है ना तो जो करेक्ट मेथड है अटेम्प्टिंग द एग्जाम वो भी हम करेंगे डिस्कस कि कैसे आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है बट ना अभी जैसे हमारे पास में टाइम है वी हैव नियर अबाउट सिक्स मंथ्स तो अभी हमने क्या करना है अभी हमने क्या करना है कि अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको साइड में रखना है ठीक है एंड सी सेट के लिए आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज योर सेल्फ कि हाँ मुझे क्या मेरी कहाँ पे कमी आ रही है सी सेट के अंदर ठीक है क्या मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है क्या मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है ठीक है क्या ऐसा है कि uh, मुझे पूरे का पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो आपने खुद को एनालाइज करना है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग माइंड है हर एक को अलग अलग तरीके से की नीड है तो वो आप लोगों ने खुद से एनालाइज करना है दूसरा है कि कई बार हमें ये लगता है कि हाँ ये तो सिर्फ थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स लेने हैं और हम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम अटेम्प्ट करके आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं ठीक है तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको होना चाहिए कि हाँ कितने क्वेश्चन एटलीस्ट मेरे एग्जाम के अंदर अटैम्प्ट होने चाहिए जिसके अंदर से अगर मान लो मेरे दो चार क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं तो मुझे बॉर्डर लाइन पे नहीं रहना है ओके तो फिफ्टी परसेंट तो आपको ये मान के चलना है कि हाँ मुझे आप टारगेट पर फिफ्टी परसेंट का लेके चलो ठीक है ना फिफ्टी परसेंट का टारगेट तो आपको लेके चलना ही चलना है कि भी मेरे फिफ्टी क्वेश्चन तो होने अभी जब भी आप टेस्ट भी करते हो तो उस केस में भी देख के चलो कि हाँ मुझे इतना टारगेट करना है अभी जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो उस टाइम पे भी मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि पहले हमने क्या करना है कंसेप्ट जो सिंगल कंसेप्ट है पहले कंसेप्ट को क्लियर करो सिंगल सिंगल जो टॉपिक है उसके टाइप के क्वेश्चंस करो उसके बाद में उनको मिक्स करके जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले रेशियो कर रहे हैं ठीक है फिर हमने परसेंटेज किया रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए परसेंटेज के और उसके बाद में हमें इस तरह के क्वेश्चन मिक्स जिसमें रेशियो और परसेंटेज दोनों आ रहे हैं ठीक है तो इस तरह से मिक्स क्वेश्चन के ऊपर हम बाद में करो पहले अपने जो कंसेप्ट है उनको क्लियर ओके okay? तो आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए अभिमन्यु आई एस आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए जैसी आपकी नीड है उस तरीके से प्रिपेयर करवा रहे ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट योर नीड की हाँ मेरी जरूरत क्या है मुझे कैसे प्रिपेयर करना कितनी मुझे नॉलेज है and if you are if you are uh, need for any type of study material or test series or complete course all are available on the same platform and if you are looking for a complete course in which you should get uh, step by step preparation okay with test then abhimanyu is, is providing you a complete course yes complete course hai

जैसे फॉर एग्जांपल आप नंबर सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं नंबर सिस्टम में हमने एक रूल किया फॉर एग्जांपल हमने डिविजिबिलिटी रूल ओके तो डिविजिबिलिटी रूल आपने किया रिमाइंडर थ्योरम आपने की मीन्स जो भी आप कर रहे हो क्लास के अंदर उसके बाद में हमें क्या होता है कि पता नहीं अब ये पर्टिकुलर मुझे मैडम ने समझाया तब तो मुझे समझ आ रहा है ओके okay? अब इसी टाइप के जो क्वेश्चन है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑबवियसली आपको पता चलेगा कि हाँ कितना खुद से कर पा रहे हो सो so, हर एक लेक्चर के साथ में हर एक लेक्चर के साथ में हमने टेस्ट साथ में अटैच किया है सो so दैट कि आप बाद में जब टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो इन दैट केस यस आपको खुद से पता चले कि कितना मुझे समझ आया है कितने मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं एंड स्पेशल डाउट सेशंस आर आल्सो अवेलेबल क्योंकि लाइव क्लासेस हैं तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो जो डाउट सेशन है डाउट सेशन के अंदर क्लियर करें ओके okay? तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है ठीक है नंबर अवेलेबल है आप सेम नंबर पे अगर आपकी कोई क्यूरी आती है इन दैट केस यू कैन कॉन्टेक्ट ओके तो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे इट वॉज ऑल फॉर टूडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर यस yes. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल आप लोगों से जो सुपर फाइव सीरीज के हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बने रहिए अभिमन्यु अभी थैंक यू